बजे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बालिका की संदिग्ध मौत से मेडिकल में मची अफरा तफरी। 9,500 उपभोक्ताओं के काटे बिजली कनेक्शन, रेप में वांछित जोड़ी धराया। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। बालिका की संदिग्ध मौत से मेडिकल में मची अफरा तफरी। मेडिकल अस्पताल में भर्ती एक 3 साल की बालिका के इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। यह घटना दोपहर 3 बजे हुई। बालिका के परिजनों ने अस्पताल पर गलत इंजेक्शन लगाने से मौत होने का आरोप लगाया। इसके बाद मेडिकल में तनाव की स्थिति हो गई। मृतक बालिका कारपोरेशन स्कूल के पास सक्करदरा निवासी अनिका शिव कुमार शाहू है। अनिका को दौरे आते थे, इसके चलते शनिवार को उसे परिजनों ने मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया था। रविवार को पालकों के छुट्टी मांगने पर डॉक्टरों ने लिखित में देने पर डिस्चार्ज कराने का आश्वासन दिया। डिस्चार्ज के पहले रविवार को दोपहर 3 बजे अस्पताल के कर्मचारी ने बालिका को इंजेक्शन दिया। इसके कुछ देर बाद ही अनिका की मृत्यु हो गई। बच्ची की मौत से आहत परिजनों ने अनिका को गलत इंजेक्शन दिए जाने से मौत होने का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर अजनी पुलिस मेडिकल पहुंची। बालिका के पिता शिव कुमार फुलचंद शाहू की शिकायत सुनने के बाद मामला सक्करदरा पुलिस को स्थानांतरित किया गया। सक्करदरा पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। तो वही दूसरी ओर 9,500 उपभोक्ताओं के काटे बिजली कनेक्शन। गत वर्ष लॉकडाउन के कारण अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति खस्ता हुई थी। ऐसे में हजारों लोगों ने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया, किंतु अब महावितरण कंपनी ने कड़ा रुख अपनाया है। मात्र मार्च महीने में यवतमाल विभाग में लगभग 9,618 ग्राहकों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं और यह मुहिम इसके आगे भी जारी है। इसके अलावा पुसद और पांडरकवाड़ा विभाग में काटे कनेक्शन का आंकड़ा 15,000 से अधिक है। गत मार्च महीने में लॉकडाउन लगने के बाद कई लोगों का रोजगार चला गया, कई लोगों के वेतन में कटौती हो गई, वही व्यापारियों को महीने अपने धंधे बंद रखने पड़े। ऐसे में विविध प्रकार के खर्चों पर रोक लग गई। विशेषकर ग्रीष्म के महा महीने में लोगों को 24 घंटे घर में ही रहना पड़ा, इससे बिजली का उपयोग अधिक प्रमाण में हुआ। पर लॉकडाउन के कारण यह बिल सरकार द्वारा माफ करने की मांग शुरू हुई। चर्चा के दौरान बिजली मंत्री की हामी को देखते हुए लोगों ने अपने बिल माफ होने की उम्मीद में पैसे ही नहीं भरे। तो वही तीसरी ओर रेप में वांछित जेडी धराया। पत्नी और मित्र की मदद से युवती से बलात्कार करने वाला कुख्यात जुनेद खान उर्फ जेडी गिट्टी खदान पुलिस के हाथ लग गया है। 2.5 महीने से पुलिस जेडी पुलिस को चकमा देते हुए घूम रहा था। स्वागत नगर निवासी जेडी के खिलाफ हत्या सहित कई मामले दर्ज है। बलात्कार की यह वारदात 18 जनवरी को हुई थी। जयपुर निवास 23 वर्षीय छात्र की जेडी की पत्नी से मित्रता थी। छात्र पहले नागपुर में रहती थी, वह संपत्ति के बिक्री के लिए यह आई थी। जेडी की पत्नी सहेली होने से वह उसके घर में ठहरती थी। 18 जनवरी की रात जेडी ने अपने मित्र की मदद से छात्र से जबरन बलात्कार किया। छात्र ने जब यह बात जेडी की पत्नी को बताई तो वह मदद करने के बजाय जेडी का पक्ष लेकर छात्र पर ही आरोप लगाने लगी। वह पीड़ित छात्र को धमकाते हुए कथित मेडिकल जांच के बहाने मेयो अस्पताल भी ले गई थी, बाद में वहां से भाग खड़ी हुई थी। पीड़िता ने पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद गिट्टी खदान में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच आरंभ की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।